पहली शंका, गुरुदेव से विनती है कि इसका स्पष्टीकरण करें। परोक्ष ज्ञान दीपक शांतिलाल मेहता, नई मुंबई। इस पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में शायिक सम्यक दृष्टि तो कोई होता नहीं और औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन क्षण स्थायी भी होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति इस जीवन में अनेकों बार मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो सकता है, क्योंकि औपशमिक व क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन देशव्रत और अनंतानुबंधी की विसंयोजना ये चारों असंख्य बार होते हैं और छूट जाते हैं। पंचम काल में भरत क्षेत्र में क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि किस जीव को कौन सा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, उस पर जोर देने की बजाय सम्यक दर्शन का जो विषय है चैतन्य तत्व, उस चैतन्य तत्व पर ही जोर देना चाहिए। चैतन्य तत्व के जोर से ही औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होते हैं। इसलिए उन भेदों के विशेष में जाकर मूल प्रयोजनभूत चैतन्य तत्व के स्वरूप को समझने से वंचित न रह जाए, इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से खास कहता हूँ कि भले ही यह शंका होती है कि औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में हो सकते हैं, ये सिर्फ जान लो मगर उस पर जोर मत दो।
इस कथन का भाव यह है कि औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन इस काल में हो सकता है, ज्ञानियों को होता है, और ये औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन अनंत काल तक रहने वाले नहीं है, इसलिए होते हैं और छूटते हैं, और इसी कारण से किसी व्यक्ति को ज्ञानी कह देना या अज्ञानी कह देना ये ठीक नहीं है। ये मोहर लगा देना ये ठीक नहीं है कि यह व्यक्ति ज्ञानी ही है या फिर यह व्यक्ति अज्ञानी ही है, क्योंकि अभी जो ज्ञानी है एक समय बाद वह अज्ञानी हो सकता है, अभी जो अज्ञानी है वह एक समय बाद ज्ञानी हो सकता है, इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी की मोहर लगाने की बजाय इन सम्यक दर्शन का स्वरूप समझकर, सम्यक दर्शन की रुचि छोड़कर, सम्यक दर्शन के विषयभूत चैतन्य सत्ता पर जोर दे और सम्यक दर्शन पाकर मनुष्य जीवन को सफल करे, वरना वाद विवाद का कोई अंत नहीं, वरना पल पल पलटता है यह मनुष्य जीवन, उसका अंत नहीं कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी की मोहर किसी पर लगाने वाले अज्ञानी कौन होते हैं? अंधा ये घोषणा करे और मोहर लगाए, अंधा ये सर्टिफिकेट दे, प्रमाण पत्र दे कि कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, कौन आंख वाला कौन बिना आंख का, ये अंधा कैसे प्रमाण पत्र दे सकता है? इसलिए जब तक अज्ञानता है तब तक किसी भी ज्ञानी को ज्ञानी कहना और किसी भी अज्ञानी को अज्ञानी कहना ये उधार आंखों से देखा गया है, ये उधार वचनों से बोला गया है, और इसमें ही समय की बर्बादी हुई है, वाद विवाद हुआ है, संवाद हुआ नहीं, और संवाद जहाँ नहीं वहाँ अनुभूति अत्यंत दूर है। गुरु और शिष्य के बीच जब संवाद होता है तब शिष्य अंत में यही कहता है, सद्गुरु ना उपदेश थी आभी अपूर्व ज्ञान, निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। इस काल में ऐसा सम्यक दर्शन होता है जो होता है और छूट जाता है, छूट जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। प्रवचन के दौरान सम्यक दृष्टि को 3 बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और छूट गया, यह हो सकता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो वहां वाणी को विराम मिलता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं बल्कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसी श्रद्धा, यह श्रद्धा भी छूट जाए और मिथ्या दृष्टि हो जाए। चालू प्रवचन में प्रवचन प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन के साथ गणधर की गद्दी पर बैठे, उठे तब भी सम्यक दर्शन के साथ गणधर की गद्दी से उतरे, और बीच में ऐसा हुआ 3 बार सम्यक दर्शन छूट गया और फिर आ गया, छूटा पाया छूटा पाया छूटा पाया, ऐसा हो सकता है। मगर इन विवादों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। सम्यक दर्शन का स्वरूप समझना इसमें भलाई है, क्योंकि जिन्होंने सार जाना उन्होंने उनके अंतर के भावों के अंतर झांकने के लिए तब तक प्रयास नहीं किया जब तक स्वयं ने नहीं पाया। भावलिंगी मुनिराज यदि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज को भी मिलते हैं तो कैसे पहचान करें कि यह सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? कैसे मोहर लगाए कि सामने जो विहार करते समय
एक मुनिराज को सामने कोई दूसरे मुनिराज मिले तो पहचान कैसे हो कि वह ज्ञानी है या अज्ञानी या उनका गुणस्थान कौन सा है। इसलिए दोनों मुनिराज एक दूसरों के सामने प्रणाम भी करेंगे, विहार करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पता नहीं चलता। दो में से किसी ने भी चेहरा देख करके ये नहीं पहचाना है कि ये ज्ञानी या ये अज्ञानी। इसलिए सम्यक दर्शन पंचम काल में होता है, छूट जाता है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, प्रवचन के दौरान तीन बार छूट गया, तीन बार फिर हो गया, मगर ये नियम नहीं है कि छूट ही जाता है। हो सकता है जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं था और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में मृत्यु तक सम्यक दर्शन न छूटे, ऐसा भी हो सकता है। ये नियम नहीं है कि सम्यक दर्शन हुआ तो छूट ही जाएगा। अब आयुष्य इतना अल्प है और सम्यक दर्शन का काल बहुत दीर्घ है। सबसे पहले किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन का काल तो अंतर मुहूर्त है। जघन्य काल भी अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी अनेक भेद है। इसलिए औपशमिक सम्यक दर्शन सबसे पहले प्रकट हुआ। अब औपशमिक सम्यक दर्शन के बाद औपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाए और वह मिथ्या दृष्टि हो जाए, यह भी जरूरी नहीं। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, वो पहले गुणस्थान में भी जा सकता है, वह दूसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद औपशमिक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दर्शन छूटा कि पहले गुणस्थान में जाना हो सकता है, दूसरे गुणस्थान में जाना हो सकता है, पर सम्यक दर्शन न छूटा तो औपशमिक सम्यक दर्शन में से क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में पलटना भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि न भी हो, यह भी हो सकता है। मगर एक बात निश्चित है कि जो लंबे काल तक रहेगा तो वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, और लंबे काल का अर्थ है 66 सागरोपम वर्ष तक। अब 66 सागर का जो काल है, आज यहां समझने के लिए कि 100 साल का आयुष्य है किसी का, किसी को 28 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, किसी को 32 साल की उम्र में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और ऐसे दृष्टांत मेरे सामने हैं। मगर अंत में मैं तुमसे कहूंगा कि किसी पर मोहर लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम तो तत्व को समझ करके, तत्व को ग्रहण करके अपना हित करो। सम्यक दर्शन का स्वरूप ये बुद्धि के स्तर से तुमने जान लिया कि 66 सागरोपम, और 66 सागरोपम वर्ष का जो काल है उसके बाद सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्या दृष्टि हो गया, पहले गुणस्थान में आ गया, क्योंकि उसका अधिक से अधिक काल जो है वो 66 सागरोपम वर्ष का है। अब तो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन छूटेगा ही छूटेगा, मगर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा यह नियम नहीं है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाए और ऐसा हो कि तीसरे गुणस्थान में आए, और तीसरे गुणस्थान का जो अंतर्मुहूर्त का काल, उस काल को पूरा करके फिर क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट और चौथे गुणस्थान में आए, यह भी हो सकता है। करणान योग के सिद्धांत को तुम गहराई से समझोगे तो ये औपशमिक में से क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक में से फिर मिश्र गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान से अविरत सम्यक, तो अविरत सम्यक से फिर मिथ्यात्व गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान से फिर अविरत सम्यक, फिर क्षायिक सम्यक, ये किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा कहूँ। और फिर तुमसे ये कहूँ कि ये जो वाक्य लिखा है क्षायिक सम्यक दृष्टि, इस पंचम काल में यहां भरत क्षेत्र में कोई होता नहीं, और औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन क्षण स्थायी होते हैं,
कुछ समय के लिए क्षण स्थायी, कुछ क्षण के लिए टिकते हैं, मगर कुछ क्षण के लिए ही टिकते हैं, ऐसा यहां नहीं लिखा। यदि एक शब्द को न पढ़े, उसमें लिखा है कि औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन क्षण स्थायी भी होते हैं, ही होते हैं नहीं, भी होते हैं। ये भी लोग नहीं पढ़ते और गड़बड़ करते हैं कि अरे इस काल में तो सम्यक दर्शन टिकता नहीं है, इसलिए वे ज्ञानी जिनको सम्यक दर्शन हुआ मगर मृत्यु तक नहीं रहा था, बीच में बहुत बार छूट जाता, छूट जा सकता है मगर छूट जाता है ये नियम नहीं। ये एक बात, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक दर्शन चैतन्य तत्व के आश्रय से प्रकट होता है, जिस समय सम्यक दर्शन छूटता है, उस समय भी सम्यक दर्शन छूटा यह ज्ञान में मात्र जाना है, ज्ञान में जाना है, मगर वह सम्यक दर्शन छूटता है, वह छूटता है, उसका वहां रोना धोना नहीं होता, वहां तो फिर से वही चैतन्य का जोर, चैतन्य तत्व का जोर। और सम्यक दर्शन छूट जाता है तो सम्यक दर्शन छूट गया ऐसा, कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दर्शन छूटने के बाद में, अभी उनको ज्ञान तो है ना, श्रद्धा छूट गई कि मैं चैतन्य तत्व हूं। अब ज्ञानी का प्रवचन सुनो, अज्ञानी का प्रवचन मत सुनो। तो ज्ञानी का प्रवचन अभी सुन रहे हैं और चालू प्रवचन में वो मिथ्या दृष्टि हो गए, ये एक बार। अब मिथ्या दृष्टि हो गए तो मिथ्या दृष्टि की वाणी सुनना या नहीं सुनना, अब श्रोता को तो पता ही नहीं है कि कब मिथ्या दृष्टि हुए वे, मगर वो जो वाणी है वो वाणी तो सच्ची होगी। श्रद्धा छूट गई है, ज्ञान तो सच्चा है, ज्ञान में कहीं दोष नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। अब ये समझो, श्रद्धा जब छूट जाती है तो जरूरी नहीं है कि ज्ञान भी ऐसा हो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, मगर वो जो क्षयोपशम ज्ञान की क्लैरिटी है उनकी, वो जो क्षयोपशम ज्ञान के संबंध में कि भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ये जो उनके ज्ञान में बुद्धि के स्तर पर जैसे सम्यक दर्शन के पहले था, सम्यक दर्शन छूटने के बाद में वो बुद्धि के स्तर पर तो रहेगा ना, भले वो जीव में सम्यक दर्शन नहीं रहा, मगर वो इतना तो जानेगा ना कि समय सार में ये लिखा है कि भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, उतना तो ज्ञान रहेगा ना, उतनी तो बुद्धि रहेगी ना, सम्यक दर्शन छूट गया। तो सम्यक दर्शन जिनका छूट गया उनसे ये उम्मीद भी मत रखना कि उनको ये ज्ञान रहे, और ज्ञान भी ऐसा हो जाए, क्योंकि जब सम्यक दर्शन छूट जाता है और जीव जब निगोद में रहता है तो निगोद में तो अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान, वहां उसको क्या पता समय सार में क्या लिखा है या भगवान आत्मा क्या है, और वो मिथ्या दृष्टि है। पूर्व में सम्यक दर्शन पाया था, छूट गया और निगोद में चला जाता है 11वें गुणस्थान से नीचे गिर करके, इसलिए श्रद्धा तो छूटती है मगर वो बुद्धि के स्तर का ज्ञान भी छूट जाता है। ऐसी भी स्थिति आए, ये भी हो सकता है, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, इसलिए ये जब करणान योग का विषय है जो हमारी बुद्धि के बाहर है, हमारी बुद्धि में जो समझ में आता है, मैंने तो सिर्फ इतना जाना कि जिनकी पुकार मैंने सुनी उनकी पुकार सुनकर, उनकी पुकार सुनकर मेरे आत्मा में सत्य की ये ज्ञान दीपक की प्रज्वलित ज्योति जली है, बस उनका ऋण मुझ पर है। अब उनकी दशा क्या है वो मैं नहीं जानता, उनकी दशा नीचे भी हो मैं नहीं जानता, उनकी दशा ऊंची भी हो, ऊंची हो तो भी मैं विनय करता हूँ, उनकी दशा नीची हो तो भी मैं विनय करता हूँ। गुरु रया छद्मस्त पण विनय करे भगवान, उनकी दशा नीची रही हो तो भी मैं केवल ज्ञान में तो यही जानू, विकल्प नहीं, मगर जानते हैं केवल ही भगवान की इनके निमित्त से पाया था। ये परम कृपालु देव, ये रहस्य समझने जैसा है, भले ही
उनकी दशा तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हें तो पता नहीं है कि उनकी दशा नीची गई है, कि सम्यक दृष्टि की दशा नीची, वो तो जानते नहीं हो ना तुम कि उनको सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्या दर्शन हो गया। अब केवली भगवान तो ज्ञान में जानते भी है कि उनको अभी छद्मस्त दशा है, केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान में जानते हैं, फिर भी ये जानते हैं कि इनके निमित्त से मैंने ये दशा पाई, ये ज्ञान में जानते हैं। भूतकाल में जो विनय हुआ था उस विनय को ज्ञान में जानते हैं। इसलिए किसी जीव पर ये सम्यक दर्शन क्षण स्थायी होता है, इसलिए किसी पर मोहर मत लगाओ ज्ञानी और अज्ञानी की। पल पल पलटते पामर के परिणाम, जहां अज्ञानता है वहां ये भ्रम होगा कि किसे ज्ञानी माने किसे अज्ञानी माने, ये समझ ही नहीं पाओगे। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान कैसे करे? जब मुनि ज्ञानी अज्ञानी को चेहरा देखकर नहीं पहचान पाते, छठे सातवें गुणस्थान में झुलने वाले, तुम्हें तो सिर्फ इतना कि वो जो वाणी सुनी, वो वाणी सुनने के साथ तुम्हारे अंतर में वो ऐसा अंतरनाद भी तुम्हारा कि तुम्हें विकल्प से निर्विकल्प की ओर लेके जाता है, तो बस तुम्हारे लिए वह वाणी परमात्मा की पुकार व निमित्त बनी है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है, वो वाणी मिथ्या दृष्टि की, मगर वो मिथ्या दृष्टि के मुंह से निकली, इसलिए मिथ्या दृष्टि की वाणी थोड़ी, वो वितरागी भगवान की वाणी, वो वितराग वाणी, वो निमित्त तो वितरागी भगवान की, जहां से यह तत्व ज्ञान वितरागी भगवान से प्राप्त हुआ, वो मिथ्या दृष्टि निमित्त नहीं बना, वो वितराग वाणी निमित्त बनी है, ऐसा। इसलिए जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भले ही यह सम्यक दर्शन ओपशमी को क्षायोपशमी को क्षण भर के लिए हो, क्षण भर के लिए, फिर भी वे ज्ञानी क्षण भर के लिए सम्यक दर्शन उनका रहा छूटा मैं नहीं जानता, मगर मेरे लिए तो वे ज्ञानी। और ये वाक्य जो लिखा गया है, जिन्होंने ये वाक्य लिखा, एक सम्यक दर्शन तो क्षण स्थायी होता है, कुछ समय के लिए रहता है फिर छूट जाता है, पंचम काल में औपशमी क्षायोपशमी, उन्हीं का प्रवचन मैंने सुना, उन्हीं के प्रवचन में ये कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी ने जब से मोपत्ती छोड़ी है तब से लेकर के मृत्यु तक वे सम्यक दृष्टि थे और थे। अब सम्यक दर्शन तो क्षण स्थायी होता है और उनका ही प्रवचन, किसी को चाहिए तो मैं आपको दूंगा कि ये दोनों प्रकार के वाक्य, और दोनों में मैं विरोध नहीं देखता, मैं अपेक्षा समझ लेता हूं कि ये जब लिखा गया था, ये लिखा गया वो 2006 की साल से पहले लिखा गया है, और वो जो प्रवचन में बोला गया है वो 2017 24 जुलाई को बोला गया है, 24 जुलाई के प्रवचन 51 मिनट और 12 सेकंड के समय पर बोला गया कि पूज्य गुरुदेव श्री कान्हजी स्वामी जब से मोहपत्ती छोड़ी, जैसे मोहपत्ती मिथ्यात्व था, जैसे छुटी, कि तब से सम्यक दृष्टि थे और थे। ये दोनों, और इतना तो तुम भी समझते हो कि पहले जो बोला उससे ज्यादा थोड़ा सीनियर हो गया, छोटा बच्चा कुछ कहे और फिर धीरे धीरे सीनियर, जूनियर का डिसीजन सीनियर पर, ये ठीक नहीं। थोड़ी समझ बाद में ज्यादा आई हो कि पहले कहा कि क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन तो क्षण स्थायी होता है या क्षण स्थायी भी होते हैं,
इसलिए किसी पर मोहर मत लगाओ। और वे ही फिर मोहर लगाते हैं कि जब से मोपत्ती छोड़ी तब से सम्यक दृष्टि थे और थे। मैं आपको सुनाऊंगा प्रवचन, मेरे पास में दोनों है, ये लिखे हुए भी और वो बोले हुए भी, मगर मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कि पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने जो पुकार की, उस पुकार को सुनकर प्रति समय मुझे चैतन्य की जागृति है या नहीं है। है तो मैं सम्यक दृष्टि हूं, नहीं है तो मैं नहीं। तुम भी अपना प्रयोजन सिद्ध करो, व्यर्थ में कहीं पर भी, कि मेरा प्रयोजन यही कि मैं कहां हूं। और ये मोहर लगाने वाले जिनको पूछो तो वे खुद कहते हैं हम सम्यक दृष्टि कब होंगे भावना भाते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी सम्यक दृष्टि थे, मृत्यु तक सम्यक दृष्टि थे। बीच में कितनी बार हुआ हो, छूट गया हो, मगर यह जानते हुए कि क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ये क्षण स्थायी होता है, फिर भी यदि तुम शंका करोगे कि क्षण स्थायी है तो ये ज्ञानी कभी अज्ञानी भी हो गए तो क्या होगा वो पता है? उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने वो की है कि तो आचार्य कुंदकुंद देव 11 बरस से लेकर मृत्यु तक क्या वो छठे सातवें गुणस्थान में ही झूलते थे? उनको भी तो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ही तो था, पंचम काल में थे, भरत क्षेत्र में थे, और क्षण स्थायी होता है तो बीच में फिर मिथ्या दृष्टि हो गए थे, ये मानना पड़ेगा। मगर तुम्हारा हृदय भी ये स्वीकार करने को तैयार न होगा कि कुंदकुंदाचार्य और मिथ्या दृष्टि बीच में, ये तो भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले। इसलिए एक तो यह सिद्धांत है कि सम्यक दर्शन छूट जा सकता है, मगर जिनकी वाणी सुनकर के मैंने यह तत्व ज्ञान पाया, तत्व पाया, उनको तो मैं सम्यक दृष्टि मानता हूं। मेरा भक्ति का भाव, यह मेरी भक्ति है उनके प्रति, भक्ति। और उनके प्रति भक्ति है यह उनका हित करने के लिए नहीं, उनके प्रति भक्ति ये मेरा हित करने के लिए। ज्ञानी की पहचान क्या? कोई व्यक्ति अपने को कहे मैं ज्ञानी हूं तो वो ज्ञानी हो गया? और ज्ञानी कभी ये कहते हैं कि मैं ज्ञानी, मैं सम्यक दृष्टि? ज्ञानी भी कहते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव खुद कहते हैं समय सार में 5वीं गाथा में, ये जो मैं निज वैभव से, अपने वैभव से, निज वैभव से एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा निज वैभव से। वो वैभव क्या है? स्वयं का अनुभव है। आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, अर्थात विशुद्ध तो हो चुकी है, अब परम विशुद्धि की भावना बात है। और परम कृपालु देव खुद कहते हैं हूँ बीजो महावीर छु, वचनामृत में कृपालु देव हूँ बीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्ति वड़े जणायु छे। मैंने ये स्वरूप को पहचाना, मेरी अपनी शक्ति से ये जानने में आया है। और कृपालु देव ने तो यहां तक लिखा मारा ग्रह 10 विद्वानों ए मली ने परमेश्वर ग्रह ठराव्या छे। सत्य कहू छू के सर्वज्ञ समान स्थिति में छू, वैराग्य में झीलू छू, ये कृपालु देव खुद कहते। और पूज्य गुरुदेव श्री तीर्थंकर होऊंगा ये भर सभा में कहते हैं। मिथ्या दृष्टि ये घोषणा करे मैं तीर्थंकर होऊंगा,
ये तो जिनको नैरोबी के प्रवचन नंबर 6 में 35 मिनट के बाद में आगे सुनना शुरू करना, मगर ये सब मैंने जाना आचार्य कुनकुन देव, अमृतचंद्र देव, एक एक का तो मैं नाम ना लूं, बाकी सभी ज्ञानियों ने कहीं ना कहीं ये लिखा कि मैंने ये तत्व जाना है, मैंने ये तत्व समझा है। और अंत में ये कहा कि तुम इस पर जोर मत देना, जो तुम्हें समझाया जा रहा है ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, मेरे कहने से नहीं अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। वो अनुभव प्रमाण क्यों लिखा कि मेरी झंझट में मत पड़ना, तुम अपना कर लेना। ये औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन इस काल में क्षण स्थायी भी होते हैं। ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, कभी सम्यक दर्शन छूट भी जाए, और छूट सकता है, एक बार नहीं असंख्य बार सम्यक दर्शन छूट सकता है, असंख्य बार, दो चार बार नहीं, असंख्य बार सम्यक दर्शन छूट जाए और फिर सम्यक दर्शन हो, वो असंख्य मां किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल के दौरान, वो भी अनंत काल है, कुछ लोग कहते हैं इनको सम्यक दर्शन हो गया, कुछ लोग कहते हैं इनको नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं आत्मसिद्धि की रचना के बाद हुआ, कुछ लोग कहते हैं पहले हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे समय सार जब हाथ में आया, दामनगर के दामोदर सेठ ने जब दिया, ये पूज्य गुरुदेव श्री को 32 वर्ष की उम्र में ही सम्यक दर्शन हो गया, और कुछ लोग कहते हैं 32 वर्ष की उम्र में तो वे स्थानकवासी संप्रदाय में थे, तो पहले लोग कहते हैं उस समय तो मोपत्ति थी, उसमें सम्यक दर्शन कैसे, कुछ लोग कहते ये चौथे गुणस्थान है, अब चौथे गुणस्थान को मोपत्ति के साथ क्या, गुरुदेव खुद कहते थे आनंद ना घुटड़ा पीता था हमें, तो गुरुदेव के वचनों को कहते मैं इसमें कई झंझट में नहीं पड़ूंगा, वरना मेरा जो बताने का प्रयोजन है वो छूट जाएगा कि गुरुदेव को सम्यक दर्शन कब प्रकट हुआ था। बेंसरी बेन को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, बेंसरी बेन ने भी कहा ना थागण वद दशम आनंद नो दिवस वाकानेर, आनंद ना सागर उछलता था, ने हुआ तो कहा, नेहाल चंद जी सोगानी ने कहा ना, वरना हमें कैसे पता चलता। तो जिन्हें हुआ है वो ज्ञानी के सामने व्यक्त करते हैं, अज्ञानी के सामने भी हृदय खोलते हैं, मगर ये कहने से वे अज्ञानी या फिर नहीं कहने से वे ज्ञानी, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये वाक्य से इतनी भ्रांति निकालनी है कि इसी झंझट में तुम कभी मत पड़ना, ये मौत से पहले तुम्हें बस स्वरूप की प्राप्ति हो, पार होना। गुरुदेव तो पुरुष थे, बेंसरी बेन तो स्त्री थी, किसका सम्यक दर्शन ज्यादा महान? सम्यक दर्शन स्त्री पुरुष का नहीं होता, सम्यक दर्शन आत्मा का होता, मगर जिनकी नजर ही ऐसी है, और वास्तव में यदि देखो सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तब कुछ अपूर्व घटना घटित होती है, उसका स्वरूप यदि तुम समझो तो तुम्हें यह समझ में आएगा, पुरुष
पुरुष की पर्याय जो है वो पुरुष की पर्याय शरीर पुरुष का है। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले पुरुष पुरुष के पीछे जो स्त्री है वो स्त्री प्रकट होने लगती है। सम्यक दर्शन से पहले उसका भाव पूरा समझो, पुरुष में स्त्री होती है और स्त्री में पुरुष होता है, क्योंकि दोनों का योगदान है। जितना दान पिता ने दिया उतना दान माँ ने दिया और ये शरीर की रचना हुई। सिर्फ अंतर इतना है कि जो पुरुष का शरीर प्रकट दिखता है उसमें स्त्री का शरीर पीछे छुपा है, और जिसमें स्त्री का शरीर दिखता है उसमें पुरुष का शरीर छुपा है। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उससे पहले पुरुष के शरीर के भीतर, अब समझना, पुरुष के शरीर के भीतर जो स्त्री है वो स्त्री व्यक्त होती है, और स्त्री के लिए स्त्री के शरीर के भीतर जो पुरुष है वो व्यक्त होता है, अनुभूति में नहीं। जब यात्रा प्रारंभ होती है तब से अनुभूति तक पहुंचने तक ये घटना होती है, ये जो प्रोसेस होती है उसके बारे में थोड़ा समझो। तो ये जो स्वरूप है ये स्वरूप समझ में आएगा अनुभूति से परु। भले ही आत्मा स्त्री नहीं है पुरुष नहीं है मगर दोनों की दशा ऐसी, उसका जो स्वभाव है पुरुष और स्त्री। बच्चों को यदि खिलौने की दुकान पर ले जाओ तो बच्चा पहले ही रिवॉल्वर देखेगा, हमेशा वो कहता है डिशुम डिशुम डिशुम, मुझे तो बंदूक। और बच्ची को ले जाओ, मुझे वो बारबी डॉल खरीदनी है, ढिंगला ढिंगली, वो ऐसा वो खिलौने से ही बचपन से ही उसके लक्षण पता चलता है। लड़के को पूछो चलो खेलते हैं क्या खेलना है, लड़का कहता है, हमेशा एक लड़का है वो हमेशा कहता है भूत भूत खेलना है, भूत भूत खेलना है। और बच्ची है वो हमेशा कहती है किचन किचन का सेट लेके आओ ने तो घर घर बनाना है, वो उसका स्वभाव ऐसा है स्त्री और पुरुष ये दोनों। स्त्री अकेली नहीं रह सकती, उसको कोई साथी चाहिए। पुरुष अकेला रहता है, रह सकता है, रहना चाहता है, इसलिए क्योंकि किसी के साथ यदि रहना है मैत्री करनी है तो उस तक पहुंचना पड़ता है, उसके लेवल तक पहुंचना पड़ता है। सीधी सी बात है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। और स्त्री तैयार है, पुरुष की एक अकड़ होती है, नहीं मैं न झुकूं। और मैत्री का पहला ही ये लक्षण है कि उसके लेवल तक पहुंचे, ये मैत्री। और स्त्री में यह गुण होता है, ये जन्मजात उसे ये गुण मिला है स्त्री में, मैत्री। और जो मैत्री न कर सके वो प्रेम कैसे करेगा? मैत्री में तो एक समान लेवल पर आना है, और प्रेम में समान लेवल नहीं, प्रेम में तो झुकना है, उन्हें ऊपर बिठाना है, उनका ख्याल ज्यादा रखना अपना ख्याल कम, वो प्रेम है। और जो प्रेम नहीं कर सका वो प्रार्थना क्या करेगा? क्योंकि प्रार्थना में उसके समान नहीं, उसे ऊपर नहीं, उसे तो ऊपर रहो, वो तो ऊपर रहे मगर तुम उनके चरणों में झुको, इसका नाम प्रार्थना है। जो मैत्री न कर सके वो प्रेम क्या करेगा? जो प्रेम न कर सके वो प्रार्थना क्या करेगा? और जो प्रार्थना न करे वो ध्यान कैसे करेगा? ध्यान तो उसके भी आगे, चरणों में झुकना ये प्रार्थना, और ध्यान में तो कौन झुका चरणों में यह भी भूल गया, और अभेद निर्विकल वो ध्यान है। और स्त्री में ये पूरी संभावना है मगर उसमें जो बचपन से कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता, जो पौरुष है
इसलिए बैन श्री बैन करके इतना पौरुष था कि अंदर का जो बल था कि वो जो पुरुष जो छुपा था स्त्री के भीतर, भक्ति थी, भक्ति का भाव, ये भक्ति का भाव, ये सब झुकने का भाव, ये समर्पण का भाव। इसलिए भारत देश, मैंने दुनिया की सभी भाषाओं में देखा मगर भारत देश जैसी भाषा मैंने कहीं ना देखी। ममता, ममता कैसा नहीं, ममता कैसी, वो ममता का भाव, ममता। करुणा कैसी, करुणा कैसा नहीं। दया कैसी, दया कैसा नहीं। ये शब्द, जिन्होंने ये शब्द बनाए हैं, इसके पीछे बहुत गहरा राज है। ममता हो, करुणा हो, दया हो, प्रार्थना कैसी, पूजा कैसी, अर्चना कैसी, भक्ति कैसी, साधना कैसी, प्रतीति कैसी, श्रद्धा कैसी, परिणति कैसी, वितरागता कैसी, ये एक एक नहीं, मैं तुम्हें ऐसे हजारों शब्द बताऊं। ये स्त्री वाचक ही क्यों, ये स्त्री के ही सूचक क्यों, क्योंकि जो झुकना है वो स्त्री में जैसा होगा पुरुष में अकड़ होगी। और इसलिए सम्यक दर्शन से पूर्व जो पुरुष है उसमें जो स्त्री थी वो स्त्री प्रकट होती है, अर्थात वो गुरु के चरणों में झुकने लगता है। वो स्त्री अंदर की प्रकट हुई है, और जो स्त्री है उसमें वो पुरुष था वो प्रकट होता है कि मैं भी परमात्मा हूं, ऐसा। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले ये यात्रा होती है, और जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उससे पहले क्या हुआ, उस मार्ग में क्या हुआ और अनुभूति के काल में क्या हुआ, उसका थोड़ा स्वरूप समझो तो तुम्हें पता चले कि वो यात्रा, पूर्णता की यात्रा कैसे होती है। भगवान आत्मा जब अनुभव में आया उस समय शरीर पुरुष का मगर भीतर छिपी थी स्त्री, वो प्रकट हुई, वो प्रकट हुई, स्त्री प्रकट हुई, झुकना प्रकट हुआ, भक्ति का भाव, ये करुणा का भाव, ये ममता का भाव, ये माधुर्य का भाव, ये भाव अंदर से ऐसा प्रकट हुआ। धीरे 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 वो तैयार हो रहा है, वो कहता है जैसा मुझे पहले कभी ना हुआ था, बीच बाजार में जो कोलाहल था वो कोलाहल कैसा, वो कोलाहल कैसा था, मगर अब तो मैंने शांति पाई, शांति पाया नहीं। कोलाहल कैसा और शांति पाई, क्रोध कैसा था मेरा मगर मैंने क्षमा पाई। क्रोध को पुरुष में रखा, क्षमा को स्त्री में रखा, और एक नहीं मेरे पास में हजारों की लिस्ट है ऐसे ही शब्द धर्म के, जो भारत देश की इन भाषाओं में, जो दुनिया की किसी भाषा में मैंने नहीं सुने, मैंने नहीं पढ़े। जब पुरुष से स्त्री की और अंदर की जो स्त्री थी वो व्यक्त होती है तब क्या होता है, तब झुकना भाव से होता है, कोई झुकाता नहीं। अंग्रेजी में है, हिंदी में, गुजराती में समर्पण शब्द है। थोड़े दिन पहले ही समर्पित ने पूछा था, समय कम था उस समय में विवेचन न कर सका। समर्पित, समर्पण, अंग्रेजी भाषा में भी एक शब्द है सरेंडर, मगर सरेंडर उसमें किसी ने तुम्हें जबरदस्ती झुका दिया है। सरेंडर का मतलब किसी ने झुका दिया, और समर्पण का अर्थ है कोई झुकाता नहीं है, तुम ही अहंकार गला की झुक गए, वो समर्पण है, तुम सरेंडर नहीं हुए, तुम समर्पित हुए। इसलिए पुरुष के भीतर जो स्त्री है वो स्त्री व्यक्त होती है, कि झुकना वो सहज होता है, अब वो अकड़ता न रही। पुरुष झुकता है तो भी दिखाने के लिए, देखो मैं झुका, और स्त्री में वह नहीं, मगर स्त्री
झुकना 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 ही सीखती, पूरा जीवन झुको झुको। और जब ये सुना गुरु की पुकार कि तू परमात्मा किसके सामने झुकती है, तो भीतर जो नहीं झुकने वाला वो प्रकट हुआ, वो परमात्मा, वो परमात्मा। स्त्री की अकड़ जो थी बिल्कुल नहीं, पुरुष की अकड़ बहुत। पुरुष को जरूरत थी कि अंदर में थोड़ा कोमलता का, स्त्री का जो भाव है वो व्यक्त हो तो गुरु के पास बैठने को मिले, वरना अहंकार को झटका लगेगा। और स्त्री के लिए ये सुविधा कि पूरी जिंदगी कब तक भक्ति करोगी, भीतर एक पुरुष छुपा है, तेरा पौरुष जगा। ये मार्ग की बात कही, मार्ग में चलने से पहले पुरुष है, भीतर स्त्री है। मार्ग में चलने से पहले स्त्री है, भीतर पुरुष है। मार्ग पर यात्रा होती है तब दोनों व्यक्त है, स्त्री और पुरुष। और जब प्राप्ति होती है तब पुरुष और स्त्री दोनों गायब हो जाते हैं, तब अनुभूति होती है, वो निर्विकल्प अनुभूति, वो निर्विकल्प अनुभूति। वहां न रहा स्त्री, ना रही पुरुष और स्त्री, कोई नहीं। क्योंकि झुकना, वो झुकना स्त्री, और स्थिर अटल वो पुरुष। और दोनों मार्ग पर यात्रा करनी, दोनों चाहिए। प्राप्ति होती है तब दोनों गायब। नहीं झुकता है पुरुष, पुरुष कैसा, झुकती है स्त्री, स्त्री कैसी। इसलिए तो द्रव्य कैसा कहा जो झुकता ही नहीं, और पर्याय कैसी जो झुकती है। मार्ग पर यात्रा होती है, पर्याय झुक जाती है, द्रव्य में झुक जाती है, मगर अनुभूति होती है तब मैं पर्याय और ये द्रव्य, ऐसे भेद का विकल्प ही नहीं। वहां पुरुष भी गया और स्त्री भी गई, उसका मतलब वहां अद्वैत, द्वैत से पार हुआ, वहां ड्यूअलिटी न रही, वहां भेद न रहा, उसको अनुभूति कहा। जैसे वर्तुल बना हो, प्रत्येक अज्ञानी वर्तुल, जैसे ये वर्तुल हो तो वर्तुल पर प्रत्येक अज्ञानी है, और बीच में एक सेंटर पॉइंट है, वो केंद्र है, वो वर्तुल से केंद्र तक पहुंचना है। जब वर्तुल पर यहां होता है तब पुरुष के पीछे स्त्री है, स्त्री के पीछे पुरुष है। जब वर्तुल से सेंटर की ओर आता है तब पुरुष के भीतर स्त्री, स्त्री के भीतर पुरुष, वो व्यक्त होने लगता है। और जब सेंटर पर पहुंच जाता है तब दोनों गायब हो जाते हैं। उसी का नाम केंद्र पर पहुंचा, उसी को कहते हैं दृष्टि का विषयभूत केंद्र बिंदु, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का वो चैतन्य तत्व अनुभव में आया। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, ये भेद मिटा, मैं पुरुष, मैं स्त्री, और स्त्री को ही अनुभूति हो, पुरुष को नहीं होती। पर्याय को ही अनुभूति होती है, द्रव्य को नहीं होती। इसलिए तो एक एक समय की पर्याय, उसका एक कारण है, यह मनोविज्ञान है। क्योंकि स्त्री का जो स्वभाव है, निकट की ओर ध्यान जाए, और पुरुष का स्वभाव है दूर की ओर। स्त्री और पुरुष में यह बहुत बड़ा अंतर है, रहते दोनों साथ में है। पुरुष दूर दूर की चर्चा करता है, पुरुष कहता है आज अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, कोरोना चाइना में कितना है, अमेरिका में कितना है, कैसा है। और स्त्री पड़ोस में क्या हो रहा है, किसकी बेटी किसके साथ भग गई, वो नजदीक नजदीक को ही देखती है। और स्त्री दूर दूर जाता है, पुरुष दूर दूर तक भटकता है। स्त्री है जलते हुए दिए जैसे, और पुरुष है टॉर्च जैसा जलता हुआ दिया, आसपास जो है उसे प्रकाशित करे। और टॉर्च दूर तक जाती है, पुरुष दूर दूर तक जाता है। पुरुष गुरु के पास बैठता है तो यही कि गुरु को तो छोड़ना ही है, एक दिन गुरुदेव मैं आपको छोड़कर परमात्मा को पाऊंगा, ये पुरुष की भाषा है। वो दूर जाता है कि गुरुदेव मैं आपको छोड़कर परमात्मा तक जाऊंगा। और स्त्री कहती है
गुरुदेव मैं आपको न छोड़ू, यदि परमात्मा आना हो तो गुरु में ही परमात्मा दिख जाए, मगर मैं गुरु को न छोड़ू, क्योंकि गुरु नजदीक है परमात्मा दूर है। स्त्री निकट को देखती है और पुरुष दूर को, इसलिए जितनी स्त्रियों ने गुरु में ही परमात्मा को देख लिया, स्त्री नजदीक का, स्त्री बाहर बहुत नहीं भटकती, स्त्री घर में ही रहती है। स्त्री यह कहती है, इसलिए बाजार में व्यापार करने पुरुष को निकाला, स्त्री को नहीं। वो कहती है कि तुम दुनिया भर की पंचायत करते हो, घर का ध्यान रखो, मगर वो घर का ध्यान न रखेगा, वो हमेशा दुनिया के आंकड़े देखेगा कि आज भारत और पाकिस्तान की मैच में कौन जीता, कौन हारा, किसने कितने रन बनाए। और पत्नी ये कहेगी कि थोड़ा घर का भी ध्यान रखो। वो कहेगा देशवासियों मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, और पत्नी कहेगी बच्चे को दूध पिला दूं बस। इसलिए पत्नी को घर वाली कहा, पत्नी माने घर वाली, घर वाला कोई नहीं होता, घर वाली होती है स्त्री। पर्याय जब अनुभूति होती है, निकट, निकट को देखने का सामर्थ्य स्त्री में बहुत गहरा है, निकट को देखे। और पर्याय के लिए द्रव्य से निकट और क्या, इसलिए निराश मत होना। स्त्री प्रेम के बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए स्त्री को देखो, वो सजाती है, उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि उसका यही, यदि स्त्री को कमरे की सफाई करने न मिले गुरु के तो चैन नहीं पड़ता पूरे दिन भर। और पुरुष हो, आत्मा अकर्ता है, क्रमबद्ध पर्याय यथा योग्य, मगर स्त्री का स्वभाव है, ये स्त्री का स्वभाव कह रहा हूं, स्त्री का ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं, स्त्री का स्वभाव ऐसा। प्रेम के बिना स्त्री नहीं रह सकती, कितनी महान स्त्री नहीं, इसी वजह से स्त्री को मोक्ष नहीं, क्योंकि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, रागी ही रह सकती है, वितरागी नहीं हो सकती, जो पुरुष हो सकता है। वो कहीं ना कहीं प्रेम में अटक जाती है, इसलिए वो बात करती है सगुण की, पुरुष बात करता है निर्गुण की, स्त्री बात करती है साकार की, क्योंकि प्रेम करना है तो साकार चाहिए, आकार के बिना गले कैसे लगाओ, आकार तो कोई ना कोई हो। पुरुष कहता है निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है। स्त्री कहेगी मैंने तो निराकार देखा, आकार में ही निराकार देखा। वो पर्याय, जितना भी मैं स्त्री कहूं तो स्त्री का मतलब कोई और किसी व्यक्ति से नहीं, मैंने हर बार वो जो स्त्री कहा है वो अज्ञानी की जो पर्याय, ज्ञानी की जो पर्याय, वो पर्याय के लिए कहा है। ये पर्याय की हालत ऐसी है। स्त्री के प्रेम के बिना नहीं रह सकते, कोई ना कोई तो चाहिए, इसलिए अकेले में स्त्री नहीं रह सकती, इसलिए वन विहारी होकर अकेले में कैसे रहे, कोई ना कोई आसपास चाहिए। ये मनोविज्ञान है, और इसको यदि तुम समझोगे धर्म से विपरीत नहीं, कि इसमें तो बताया इसमें पुरुष भी है इसमें स्त्री भी है, तो क्या करे, स्त्री पुरुष दोनों को छोड़ दे। ये स्थिति ऐसी है जैसे एक और तो है सूर्य का ताप, एक मार्ग ऐसा है जो सूर्य के ताप से ऐसी गर्मी से ऐसी ज्वाला से धू अगती ऐसी दावानल अग्नि से, एक मार्ग ऐसा है। और दूसरा मार्ग ऐसा है जहां बर्फ ही बर्फ है, वो बहुत ठंडा मार्ग है,
एक इतना गर्म है, एक इतना ठंडा है। और एक जगह लिखा, मैंने पढ़ा था, उसका अर्थ मैंने ये निकाला कि उसमें यह लिखा था कि यदि सूर्य के ताप वाले मार्ग पर चलोगे तो भी जलोगे, मरोगे, और बर्फ वाले ठंडे मार्ग पर चलोगे तो भी पीड़ा से तड़प तड़प के मरोगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? वॉक बिटवीन द टू, दोनों के बीच में चलो। और उसके बीच में चलने का अर्थ, एक और निश्चय का मार्ग, एक और व्यवहार का मार्ग, किस मार्ग को अपनाए कि दोनों से पार होकर नयातीत, नयातिक्रांत, वॉक बिटवीन द टू, वो अनुभूति है। चैतन्य परमात्म तत्व की अनुभूति होती है, वहां स्त्री भी नहीं, वहां पुरुष भी नहीं, वहां पार, ऐसी अनुभूति। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होने पर सम्यक दृष्टि को यह विकल्प नहीं, ये औपशमिक सम्यक दर्शन है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, कौन सा सम्यक दर्शन, उसकी ओर ध्यान ही नहीं, विकल्प भी नहीं। ये चैतन्य का जोर ऐसा। आगे शांतिलाल ने पूछा है, पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती रहती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी यही कहा कि जब औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, इसमें गुरुदेव ने इस पर जोर नहीं दिया, ये गुरुदेव की भाषा। यदि गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव औपशमिक सम्यक दर्शन तो छूट जाता है, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन भी छूट जाता है, तो इस काल में तो सम्यक दर्शन किसको रहा जन्म से मरण तक, या हुआ तब से लेकर मरण तक, आप क्या कहते हो? उन्होंने ये नहीं कहा छूट जाता है, उन्होंने ये कहा, गुरुदेव की ये वाणी है, गुरुदेव ने ये कहा था कि अरे भाई, पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती रहती है, बस, फिर वो सम्यक्त्व की हो या मिथ्यात्व की हो, बस बदलती रहती है। माने तुम उस झंझट में ज्यादा मत पड़ना, तुम द्रव्य का ध्यान रखो। आत्मा पर जोर, ये पर्याय पर नहीं। कृपालु देव, जितने निष्पक्ष मुझे दिखाई दिए इस काल में, उतने और कोई न दिखाई दिए, ऐसे निष्पक्ष, ऐसी प्रयोजन भूत, बस जाति, वेश, बाहर के क्रियाकांड, गृहस्थी, मुक्त, लिंग, सबसे पार, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। मैं जब चर्च में जीसस पर बोलता तो उनको मैं ये कहता, क्योंकि जीसस कहते थे सत्य के मार्ग पर चलना हो तो मैं नपुंसक होना पड़ेगा, वो नपुंसक कहते थे। मैं उनका उन वाक्यों का अर्थ ऐसे करता उनको, जब कि तुम्हें नपुंसक होना पड़ेगा, अर्थात तुम्हें स्त्री भी और पुरुष भी ये कल्पना से निकलना होगा,
कि मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, वो नपुंसक का मतलब तीसरा मानना ऐसा नहीं करता। मैं कहता कि लिंगों से पार, इसलिए कृपालु देव ऐसा स्त्रीलिंग से भी मोक्ष है, पुरुष से भी मोक्ष है, नपुंसक से भी मोक्ष है, तीनों लिंगों से मोक्ष है और यह सत्य है। झटका लगे, अरे यह सत्य है, हाँ मोक्ष होता है, भाव वेद स्त्री का भी हो पुरुष का भी हो नपुंसक भी हो भाव वेद, और वो भाव वेद की अपेक्षा अंत में स्त्री भी मोक्ष में गई, ये कहते हैं पुरुष भी मोक्ष में गया नपुंसक भी मोक्ष में गया, मगर जिन्हें भाव वेद द्रव्य वेद के भेद नहीं पता, कृपालु देव सब जानते थे, फिर भी प्रयोजन भूत पर जोर दिया। पर्याय तो क्षण क्षण में बदलती रहती है। मुझे कोई पूछे तो मैं ये कहता हूं पर्याय तो समय समय में बदलती रहती है, क्षण क्षण में बदलती रहती है, समय समय में बदलती रहती है। यही तो जगत का स्वरूप है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद सम्यक दर्शन छूट भी जाए, कोई ऐसा काल आए, कुछ ऐसा हो जाए, मगर हम जो नापते हैं ज्ञानी का सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं, वो बाहर की क्रिया से नाप लेते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बच्चे को मारा, उसके बाद मुझे प्रवचन में आना था और फिर उनको जाकर के फिर मारा। ये बात मैंने किसी से कही कि प्रवचन से पहले मैंने किसी की पिटाई की, प्रवचन के बाद तो प्रवचन हो गया उसके बाद भी पिटाई की, प्रवचन में कुछ नहीं। उन्होंने यह समाचार फैलाए कि प्रवचन से पहले जब मारा तब उनका सम्यक दर्शन छूट गया था और फिर गद्दी पर बैठे तो सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि आत्मा 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 कहते थे और फिर सम्यक दर्शन छूट गया। माने जब पिटाई करते हैं तो सम्यक दर्शन छूट जाता है, गुस्सा किया तब सम्यक दर्शन छूट गया और माफी मांग ली तो सम्यक दर्शन हो गया। दुनिया की यही मान्यता उनका तुम देखो ना, अरे भाई साहब मुझे क्षमा करना, मेरी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, कि अरे वाह वाह ये ज्ञानी का लक्षण। और आ तेरे को देखता हूं मैं, अच्छा अभी गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का इन इन विकल्पों के साथ कोई लेना देना नहीं है। गद्दी पर बैठे तब तक सम्यक दर्शन, तो 24 घंटे गद्दी पर ही बैठना पड़ेगा। जैसे सब बैठते गादीधारी बाबा के गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठे तब तक ज्ञानी, गद्दी से उतरे तो अज्ञानी, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। विकल्प से ज्ञानी अज्ञानी नहीं होते, एकत्व किस में रहा उस समय भी, और गिर भी जाए यदि चौथे गुणस्थान से कुछ समय के बाद में, उस समय ऐसा कोई काल आया है। और ये मैं कहता हूं कि बच्चे को मैंने मारा, मारने के बाद में फिर मैंने माफी मांगी रात में सोने से पहले कि मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें मारा। तो माँ तो ये कह रहे थे, माँ ने कहा अच्छा हुआ माफी मांग ली, रात को मौत हो जाए तो अधोगति नहीं होगी,
उन्होंने कुछ और ही बात कर दी, अधोगति नहीं होगी माफी मांगने से, माफी मांग ली थी, मगर वो परिणामों को देख करके इतना मैं कह सकता हूं उन परिणामों से कि कैसे परिणाम, कि एक बार ऐसा क्रोध आया और जब भी मैं तुम पर क्रोध करूं, जब भी मैं तुम पर क्रोध करूं, पक्का पक्का ये पक्का समझना, थोड़ी देर बाद मैं तुमसे माफी मांगने आऊंगा। उस क्रोध के कारण तुम सत्संग से वंचित मत होना, मुझे पक्का पता है कि उस समय क्रोध आया है मगर माफी मांगने भी जाने वाला हूं, और अब तक ऐसा हुआ। और जो गवा चुके वो क्रोध के कारण गवा चुके, माफी मांगने के लिए मौका ही नहीं दिया। ये पहले से मैं तुम्हें मेरी दुखती नस बता देता हूं कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और दोनों में पता है कि ये जो भाव आया है और ये जो बाद में भाव आया है, ये तरंगे कैसी, ये कैसे कैसे विकल्प। मगर जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता, उसने अपना अस्तित्व अपनी सत्ता को छोड़कर कहीं उन विकल्पों में तरंगों के साथ वे तरंगित हुई या नहीं हुई, वह तो होती ही नहीं। बस ये श्रद्धा में माना, इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा इन्होंने पूछा है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। लोग कहते हैं, ये लिखा भी है और कहते भी है, सम्यक दर्शन तो टिकता नहीं है, टिकता नहीं है, मोहर मत लगाओ। ये मोहर शब्द खास इसमें भी लिखा है, मोहर लगाने की, घोषित करना किसी को सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, घोषित करना है, मैं क्या दम है। और वे ही घोषित करते हैं सम्यक दृष्टि थे थे और थे, दोनों की अपेक्षा समझ लेना, कि ऐसा नियम मत समझना कि यह सम्यक दर्शन हुआ तो टिक करके ही रहेगा, उसमें तो और सावधानी बरतने की जरूरत है कि यह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, छूट सकता है, इसलिए स्वच्छंदी होकर के, अब तो कभी ज्ञानी नहीं होते मगर उदयगत को ऐसे भाव भी आ जाए कि छूटे तो भी पुनः ऐसे ही सत्संग में रहना चाहते। भावना भी ऐसी बातें, भावना भावना कैसा नहीं, भावना कैसी, ये भी भावना कैसी, यही मेरी कामना है, मेरा कामना नहीं, मेरी कामना। अभी तो क्रोध की अग्नि इतनी है मगर भावना भाता हूं, अहिंसा कैसी अहिंसा प्रकट हो, स्वरूप का घात हो रहा है, वह घात अब न हो। आगे क्या आप, दूसरी शंका में पूछा, क्या आप नूतन महीने के बारे में समझाने की कृपा करेंगे, नयो नया महीना, नवो महीनो, बेस्तो महीनो, उसका महत्व क्या है। लोक में हम इस दिन को क्यों मुबारकबाद देते हैं, जैन दर्शन में इसका क्या महत्व है,
जहां तक मैं जानता हूं कि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक कोई महीना नया नहीं है, सब पुराने हैं। नूतन वर्षा अभिनंदन, नया साल मुबारक हो, नया महीना मुबारक हो। नए महीने की शुरुआत वो हमारी निशानी है, ये मुबारकबाद देते हैं क्योंकि हमारा त्योहार है। नया महीना, नया महीना, मुझे ज्यादा तो पता नहीं मगर इतना मैंने पढ़ा है, जाना है माँ बाप की कृपा से। कल ही बापूजी कह रहे थे फादर्स डे था, विश नहीं किया, माने मदर कहती थी फादर डे था, विश नहीं किया, फादर का डे था। मेरे पास समय कम था, मैंने इतना ही कहा फादर डे था कल, फादर डे नहीं संडे था कल, मुझे विश नहीं किया, फादर डे भी संडे को आया है, मगर विरोध मुझे कहीं नहीं लगता। वो संडे असु सूरज का दिन, SON नहीं SUN, फादर डे था संडे था, कहते नया महीना शुरू पढ़वो। पहले तो कुछ ऐसा पढ़वो बढ़वो कुछ पता नहीं था, मगर एकम एकम वो एक दूसरे को मुबारक देते हैं। इसलिए ये कहता हूं ये अपना त्योहार है, अज्ञानी का त्योहार है, सभी अज्ञानी एकम एकम के गुणस्थान में है, पहले गुणस्थान में, तो एकम में ही एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे आपका मिथ्यात्म मुबारक हो। मगर एक से लेकर के 15 तक इसका कनेक्शन है, पहले गुणस्थान दूसरे, वो तिथि के बारे में एक सत्संग का मैं विचार कर रहा हूं, कब होगा वो पता नहीं मगर लेंगे लेशु। एक पहले गुणस्थान में एकम और 15वीं पूर्णिमा में सिद्ध भगवान, एक से लेकर के पूर्णिमा तक, और चतुर्थी में गणेश चतुर्थी, मोक्ष के मार्ग में श्री गणेश किया, मंगलाचरण किया, श्री गणेश करते हैं ना वो चौथे गुणस्थान में, वो चौथ का दिन, फिर पांचम का दिन, पंचमी का दिन, फिर अष्टमी चतुर्दशी का दिन, क्योंकि मोक्ष मार्ग की असली शुरुआत जो होती है वो अष्टमी से होती है, आठवें गुणस्थान से, श्रेणी के गुणस्थान से, वो असली श्रेणी के गुणस्थान से, और पूर्णता 14 में, आठम से 14, इसलिए अष्टमी चतुर्दशी और भी उसके कारण है। मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो बस वही नया महीना है। चिंटू भाई पिनांग मलेशिया, वहां से उन्होंने ये पूछा है, पूरब के देशों में जहां भी मैं गया, जब मैं मलेशिया में उनके वहां ठहरा था पिनांग में, उनको ऐसी वेवलेंथ मैच हुई है कि मैं इसी सत्य की खोज में था, मगर ये दुनिया वाले ये महीना और ये दिन ये क्या। और तब से लेकर उनके जितने संदेश आते उसमें वो अवेयरनेस, क्योंकि मैं वहां पर हर बार ये कहता अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजियन, ये कहता हमेशा अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। कैसा ये धर्म का स्वरूप, इतनी जगह पर वहां स्थापना के लिए ले गए थे, उनका भी मेरे जीवन में बहुत योगदान है।
मेरी आत्म साधना में। मगर चिंटू भाई, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब एक दूसरों को मुबारक देने भी कौन जाए। पर्याय में जितना भी है वो सब द्रव्य को समर्पित हो जाता है। अपनी शक्ति सब द्रव्य को मुबारक हो, इसे मैं मुबारक बात कहता हूं। पर्याय द्रव्य में समर्पित होती है, पर्याय समर्पित द्रव्य में। मगर कहते हैं द्रव्य पहले और पर्याय बाद में, यह भी एक भारत देश की विशेषता। पति पत्नी, पति पत्नी ऐसा कहते, पत्नी पति नहीं, पति पहले पत्नी बाद में। प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी पहले प्रेमिका बाद में। शादी से पहले प्रेमी प्रेमिका, शादी के बाद पति पत्नी। प्रेम हुआ, शादी हुई। मुझे वो बात भी बहुत खटकती बचपन में, जितने भी कार्ड हमारे घर पर आते, बापूजी तो बहुत प्रवचन देते थे, तो उनके साधकों में से इतनी कंकोत्री पत्रिका कि हमारा बेटा शादी के बंधन में बंध रहा है, प्रणय बंधन में बंध रहा है, आप आशीर्वाद देने पधारे। और मुझे जब भी मैं पढ़ता ऐसे इतना पढ़ करके रख देता, एक भी पत्रिका पूरी नहीं पढ़ी। प्रणय के बंधन में, अरे बंधन में गिरता है और फिर आशीर्वाद मांगता है, ये कैसा? ऐसे आशीर्वाद देने में ना जाऊंगा। मुक्ति के लिए कोई कहे, बंधन वालों को आशीर्वाद क्या देना? वो जानबूझ करके शादी के बंधन में, विवाह बंधन, शादी का बंधन, पता है बंधन। पति पहले पत्नी बाद में, प्रेमी पहले प्रेमिका बाद में, सेठ पहले सेठानी बाद में। कोई सेठानी सेठ नहीं कहता, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी सब ऐसा ही कहते, सेठ सेठानी। राजा रानी, राजा को पहले, रानी को बाद में। और ये वहां तक ही नहीं, धर्म में भी श्रावक श्राविका, मुनि आर्जिका, ये पहले पुरुष। मगर भारत की एक विशेषता, एक विशेषता, जहां सब में पुरुष 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 आगे, मगर एक जगह ऐसी जहां स्त्री पहले पुरुष बाद में। भूलो भले बीजू बधु, मां बाप ने भूलो नहीं, मां पहले बाप बाद में। सब रिश्तों में पुरुष पहले आया, स्त्री बाद में। ये मां का रिश्ता, मां पहले बाप बाद में। और तब भी मैं यही पढ़ता, आत्मा, आत्मा पहले, सारा जगत बाद में। अंतिम शंका, प्रणाम गुरु जी, क्या ग्रहण के समय भोजन करना चाहिए? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। निर्मला पहाड़िया, इंदौर। भोजन हमेशा ग्रहण के समय पर ही होता है। जब ग्रहण नहीं रहता तो भोजन भी नहीं रहता। पूर्ण रूप से, कल कहा ना, ग्रहण पूरी तरह से गया, सूर्य ग्रहण गया, सूर्य के बीच में अब कोई आवरण न रहा, आवरण न रहा, सूर्य ग्रहण न रहा,
ग्रहण न रहा फिर भोजन कैसा। ग्रहण में ही भोजन होता है। जब तक केवल ज्ञान रूपी सूर्य के बीच ये अज्ञान का ग्रहण रहता है तब तक ही आहार होता है। केवल ही भगवान को आहार नहीं, क्योंकि वहां ग्रहण नहीं, केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया। वो केवल ज्ञान का सूर्य जो ढंका था वो प्रकट हो गया। इसलिए जब भी ये शंका, ऐसी शंका में पड़ता हूं, नया महीना, ये ग्रहण पड़ा मुझे, वही स्मरण में आया। ग्रहण ग्रहण बीस तारीख से बोलबाला था, सबने ये कह दिया था कल ग्रहण है। 21 तारीख को ग्रहण था, 20 तारीख को पहले से ही कह दिया था बिजली जाने वाली है, कल ग्रहण है, ग्रहण है पता है ना, परसों 20 तारीख को ग्रहण है पता है ना, और हर बार मुझे ये याद आता, हाँ पता है, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, 20 तारीख नहीं, आज 20 तारीख है, वो ग्रहण में अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण। और उसी कारण से मैंने ज्ञान दीपकों को बुलाया था, अलिंग ग्रहण, भक्तामर स्तोत्र में ग्रहण। मेरे से ज्यादा नासा वाले अच्छी तरह बता सकेंगे कि ग्रहण के समय भोजन करना चाहिए या नहीं। मना करते हैं वे भी कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, मुनिराज भी नहीं करते। भावलिंगी मुनिराज के आहार की विधि के दौरान कहा था, सूर्य ग्रहण के दौरान रात्रि जैसा माहौल हो जाता है और मुनिराज रात्रि में भोजन नहीं करते, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में वातावरण में उस प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं जैसे रात्रि में होते, ऐसे सूर्य प्रकाश की गैरहाजिरी में भी होते हैं। इसलिए यह कहा था कि जहां सूरज का प्रकाश न पहुंचता हो ऐसी जगह पर खाना बनाओ तो मुनि नहीं लेंगे। वो सूर्य प्रकाश उजाला नहीं, अभी तुम हेलोजन लगा दो, मगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा तो मुनि के लिए योग्य आहार नहीं। भाव उसका यह है। और सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में हमारे शरीर में भी एक अग्नि है, जैसे सूर्य में वहां अग्नि, एक अग्नि यहां है, भोजन में भी अग्नि है, सूर्य में भी अग्नि है और शरीर में भी अग्नि है। चूल्हे में जो अग्नि जलाते हैं वो चूल्हे की अग्नि, ये जो सूरज की धूप ये सूरज की अग्नि, और पेट में भी अग्नि, उसे कहते जठराग्नि, कि जहां भोजन जाता है और पचता है, ये पचाने के लिए जठराग्नि में। इसलिए ये कहते हैं कि भोजन करने से पहले पानी न पिए, भोजन करने के तुरंत बाद पानी न पिए। मुझे ये सब सिखाने वाले बहुत थे मुंबई में, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 48 मिनट के बाद में पीना चाहिए, एक मुहूर्त के काल के बाद, क्योंकि वो भोजन अभी पेट में गया, आपने पकाने के लिए खाना रखा गैस के ऊपर और फिर नीचे जो अग्नि है उसके अंदर पानी डाल दिया, तो अग्नि बुझ गई तो वो जो खाना है वो कच्चा रहेगा। तो पेट में जो जठर में अग्नि है, भोजन करने के बाद तुरंत पानी पिया तो वो अग्नि बुझ जाती है कि जो खाना खाया है वो कच्चा रह जाता है। इसलिए भोजन करके तुरंत ही पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब विज्ञान की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से भी ठीक है, मगर असली अध्यात्म तो ये है, आज ग्रहण है, आज ग्रहण है, चैतन्य परमात्मा पर तो कोई ग्रहण नहीं, वरना आज ग्रहण है ये ज्ञान में प्रतिबिंबित कैसे हुआ। यही विचार चलता था।
आज ग्रहण। करीब करीब 1:42 पर ग्रहण पूरा हुआ कि बस 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित होंगे कि यह ग्रहण पूरा हुआ। सूर्य ग्रहण विज्ञान भी ये कहता है। रात्रि के समय शरीर में भोजन पचता नहीं है, इसलिए सोने से पहले 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि पचने के लिए वो जो 3-4 घंटे का समय लगता है उसके बाद सो। अब भोजन 10 बजे करेंगे तो क्या 1-2 बजे सोएंगे? इसलिए ये कहा कि शाम को सूर्यास्त से पहले ये भोजन कर लो, पक्का समय भोजन करने का सूर्यास्त से पहले। मैं कर लेता हूं, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेता हूं। भोजन सूर्यास्त से पहले हो, 6 बजे का समय रखा है, शाम के भोजन का समय 6 बजे का। मगर रोज ये विचार आता है 6 बजे भोजन हो ही हो, उससे पहले ये विचार आता है 4 बजे भोजन हो जाए। तुम मुझे 6 बजे भोजन दो, उससे पहले मैं तुम्हें 4 बजे तुम्हारा भोजन दूं। वो 4 बजे जो प्रवचन YouTube पर पब्लिश होता है ना, रोज 4 बजे समय पर भोजन मिल जाए, बस 4 बजे। और थोड़े समय से तो ये विचार आ रहा है कि 4 बजे तक का भी इंतजार क्यों? क्या पता किसी की 2 बजे मृत्यु होने वाली हो और 12 बजे उसे ये मिल जाए। जैसे ही यहां बोला कि अभी मिल गया, बस मन की मन में रह जाए। इसलिए समय की सीमा से पार, बाहर के भोजन के लिए सूर्य का समय, सूर्यास्त का समय ये देखना पड़ेगा। भीतर के समय के लिए, समय सार के लिए समय की ओर देखने की जरूरत नहीं, काल की ओर देखने की जरूरत नहीं। फिर भी ये जिज्ञासा उन्हें जगी। ग्रहण के समय भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब पर्याय पर जो मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व का आवरण है, ये ग्रहण लगा है, ऐसा ग्रहण लगा, उससे पार हो करके ये देखना। सूर्य का ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण को देखो, वो ग्रहण को देखने से ग्रहण दूर नहीं होगा। अपने घर में रहो, ग्रहण दूर हो जाएगा। कल ये भी सब कह रहे थे, सूर्य ग्रहण है, ग्रहण को देखो। आत्मा पर भी मिथ्यात्व का ग्रहण है, मगर मिथ्यात्व के ग्रहण को देखने से मिथ्यात्व का ग्रहण दूर नहीं होता। सूर्य ग्रहण देखने से सूर्य ग्रहण दूर होता है? सूर्य ग्रहण देखने से सूर्य ग्रहण दूर नहीं होता। ये जो चमड़े की आंख है वो भी गवा देते हैं, आंख खराब हो जाती है सूर्य ग्रहण देखे ऐसे ही। तो मिथ्यात्व का जो ग्रहण है उसको देखने से दृष्टि निर्मल कैसे होगी? सिर्फ इतना कहा
कि उस ग्रहण के दौरान सब अपने घर में बैठे रहे, ग्रहण चला जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे ही अपने आत्मा रूपी घर में बैठे रहे और भोजन करे या न करे, पी सकते हैं, ग्रहण दूर हो जाएगा। चैतन्य का अमृत, चैतन्य का रसपान करके अपने घर में मस्त रह सकते हैं, मिथ्यात्व का ग्रहण दूर हो जाएगा। हे ज्ञान दीपक, मृत्यु को नजर के सामने रखकर क्षयोपशम ज्ञान में सम्यक दर्शन का स्वरूप समझकर, पुरुष और स्त्री की चित्त वृत्तियों को समझकर, इन सभी से पार होकर स्वरूप पर ही जोर दे और मृत्यु से पहले स्वरूप की अनुभूति हो, ऐसी में भावना भाता हूं। और आप ज्ञान दीपकों ने मुझे यह सत्संग करने का अवसर दिया, इस अवसर के बदले में मैं आपका ऋणी हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।